सो हे गाइस, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है सब बड़े होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एक और न्यू गेम प्ले सीरीज, जिसमें हम खेलने वाले हैं पबजी मोबाइल। तो बिना किसी बकवास के अपने वीडियो को सॉरी अपने इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं उतरा था नोवो पिछले गेम प्ले की तरह, बट कुछ देर के लिए मेरे को इधर गन नहीं मिलती, लेकिन जब गन मिलती है ना तब भाई क्लचेस स्टार्ट हो जाते हैं। जहाँ जहाँ पे भी फाइट सीन्स आती रहेंगी वहाँ वहाँ पे मेरी बोरिंग वॉइस ओवर आती रहेगी, ये याद रखना। यहाँ पे M16 मिल जाती है लेकिन नहीं मिल पाती, मिल जाती है लेकिन नहीं मिल पाती, फिर से ऊपर जाना पड़ता है। M16 उठाता हूँ मैं, बंदे पहलने जाता हूँ, उसके बाद सोने पे सुहागा हो जाता है क्योंकि पीछे DP पड़ी दिख जाती है मेरे को। और भाई नया सीजन आ चुका है आपके इसके ऊपर, मतलब इसके रॉयल पास के ऊपर क्या कहने हैं जल्दी बताओ। मैं तो ख़रीदने वाला हूँ और एक ट्रिक भी डाल दूंगा बहुत ही जल्दी, जिसके हिसाब से आप सारे बंदे फ्री का रॉयल पास ले सकते हो। आपको अभी सुनाई नहीं दिया होगा, आप सारे बंदे फ्री में रॉयल पास ले सकते हो। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बहुत जल्दी अपने इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इस वीडियो में नहीं नेक्स्ट वाले वीडियो में। सामने बंदा रहता है और मेरा DP रिलोड पे रहता है, और रिलोड होने के बाद पेल देते हैं। यहाँ पे मैं कूद कूद के TP भी ले रहा था बंदे की ऊपर, और ये बोल रहा था कि मेरे को रैप दे दे, वो पिछला वाला बंदा जो लूटने में ज़्यादा बिजी रहते हैं और खुद को कुछ ज़्यादा ही डायनामो समझते हैं। अब यार यहाँ पे मैं डायनामो का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि डायनामो ही इंडिया का सबसे बड़ा वाला चैनल है और उसका सबसे बड़ा गेमिंग चैनल है, हालांकि स्किल हो या फिर ना हो। अब यहाँ पे डायनामो के जो भी फैंस हो गए यार गालियाँ देंगे, लेकिन छोड़ो। यहाँ पे इस बंदे को भी फिनिश कर दिया जाता है, और मैं अपने में 1% भी घमंड नहीं रखता, ये मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं खुद एक साला नूब बड़ा हूँ सूते सा। तो मेरे को भी अभी गेम प्ले इम्प्रूव करना है आप लोगों की तरह, मैं भी आप लोगों की तरह नॉर्मल इंसान ही हूँ, तो गलतियाँ होती रहती है सबसे। कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है, एक्सप्लेनेशन कुछ ज़्यादा ही हो गया इस वीडियो के बारे में, इस वीडियो के बाहर के टॉपिक के बारे में, भी अंदर के टॉपिक में आते हैं। नंबर 4 मर गया था, और यहाँ पे देखते रहो, मैं इस बंदे को नॉकआउट किया लेकिन कूतरिया बॉट मेरा किल ले गया भैंस क्या। अब बॉट की बारी थी ऊपर वाले के पास जाने की, बट किल तो जा चुका, अब तो मिलने का नहीं। अब ये चोरी हुई किल का भरपाई बॉट तो किया, साथ ही में एक और बंदा भी करेगा जिसका किल भी मैं चोरी करने वाला हूँ आगे वीडियो में। थोड़े से वीडियो के लिए स्पॉइलर दे दिए, लेकिन भाई आपकी अच्छा ही है कि वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ आपको पता चल रहा है वीडियो के एंड के बारे में। यहाँ पे आप लोग मेरे दोस्तों, इसलिए मैं आपके साथ दोस्तों की तरह बिहेव कर रहा हूँ, इसलिए मैं बिना झिझक जो भी मुंह में आ रहा है वो बोल रहा हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखता, ठीक है? तो कैसी लग रही है बताओ, वरना स्क्रिप्ट वगैरह लिखेंगे क्या करेंगे देखते हैं। यहाँ पे हमको पता चल जाता है कि सिटी में बंदे रहते हैं, नोगो वाली सिटी में, ठीक है? यहाँ पे मेरे सामने पेन किलर दिखता है, इसलिए मैं पहले पेन किलर पकड़ना प्रीफर करता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत कम ही हीलिंग थी। लेफ्ट में जो रेड कलर का घर दिख रहा होगा आपको, उसमें अभी रस करने वाला हूँ, लेकिन मेरे को प्रॉपर पोजीशन उसकी पता नहीं थी, वो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उधर बैठेगा, मतलब बैठते तो हैं बंदे नॉर्मली, लेकिन मेरे को लगा था वो थोड़ा सा एडवांस बंदा रहेगा क्योंकि थोड़ा सा फुस्ट वगैरह कम ही दे रहा था वो, तो मेरे को पता चल गया था कि कहाँ है। यहाँ पे देखो मैं प्री फायर देते हुए कहाँ जाऊँगा और बंदा कहाँ निकलेगा। देख लिया भाई, मतलब कैसे भाई इतना गंदा वाला दिमाग मैं ही लगाता हूँ क्या? मेरे को उस टाइम से लगा क्योंकि मैं पहले उधर कैंप करता था, जब मैं एक नूब सा कैंपर था और उधर इसी तरह के फुस्टेप आती थी, लेकिन भाई बंदा तो कहीं और ही था या फिर पोजीशन चेंज कर लिया, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। अभी सामने स्क्वाड थी, लास्ट वाले इसमें स्क्वाड हाउस है, इसमें उसने एक बंदे को नॉकआउट किया था, वो बंदा छुप रहा था।
और वो बंदे फिनिश करने के लिए मैं जाता हूँ। यहाँ पे आप लोग बोलो कि भाई तेरे को उसकी पोजीशन कैसे पता चली? भाई लोग थोड़ी सी दिख गया था उसका, पता नहीं क्या दिख गया था, मेरे को नहीं पता। अब यार यहाँ पर फुटस्टेप का ये आता है, मतलब साउंड आता है, तो मैं उधर ही फायर करता हूँ। दिख भी रहा था बंदा, मैं तब तक ऊपर चलाता है बंदा और मैं एक नेड करता हूँ, तब तक वो विवेक को नॉकआउट कर देता है। कॉज विवेक भी नेड कराते, कॉज का मतलब विकॉज, ठीक है मेरा इंग्लिश मैं बोल रहा हूँ फिर से खराब है। अब यहाँ पे मैंने आई बटन जो होता है अपने गेम में, मैंने उसका प्रॉपर यूज़ किया। पीछे देखने में विवेक को रिवाइव देते रहते, क्योंकि अगर ऐसे रिवाइव देता ना तो मेरा हेड दिखता बाहर। यहाँ पे थोड़ी नाकामी कोशिश थी, इंसानों से ही गलती होती है, रिकॉल छूट गई मेरे हाथ से। यहाँ पे हेल्थ कम थी इसलिए मैंने हील करना प्रेफर किया। यहाँ पे एक बॉट आ जाता है जिसको कि बोलो नॉक करते हैं और फिनिश आपका भाई करता है। यहाँ पे मैंने अपना किल चोरी का बदला ले लिया था, बॉट की किल चोरी। अब यार देखो भाई पिंग कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, इतना फ्लक्चुएट कर रहा है ना, देखो बस इसको रिवाइव भी नहीं दे पा रहा मैं, ये चिल्ला रहा है बेचारा। बॉट को पेलने के साथ इधर से निकलते हैं भाई। सस्ता एनिमेशन से थोड़ा सा इम्प्रूव करा है मैंने अपने क्वालिटी में, तो बताना यार कैसा लगा। अब यहाँ पे मार करने वाली बात है, मेरी सारी गोली लगती है फिर किसी और की लगती है, आपको कमेंट में बताना। लिटरली मेरी सारी वाइट वाइट कलर की वो मार कर सारी, लेकिन बंदा बोला मेरी सभी गोली लगी, मेरी सभी गोली गाई है भाई, ये ऐसा बोल रहा बंदा। बट मैंने स्प्रे में हक दिया था, मेरे को पता है, ये अलग बात है, ये अलग गलती है, ठीक है। बॉट फ्री का किल आया था, छोड़ नहीं सकते। इधर एक और गाड़ी भी आ जाती है, बग्गी। जब भी बग्गी आती है ना तभी अपने प्रेडिएटर वहां से का आवाज आता है। लैग भी हुई थी सेम टाइम पे मेरी। स्प्रे को नोटिस करो बस, यहाँ से इतना ओपी स्प्रे दिया, कितना फैन हो गया। अब एक घंटा ओपी लग गया ऐसे ही टिक्के में। नहीं ब्रो मैंने सीखा है स्नैक्स गेमिंग जो है ना, उसका टिप्स एंड ट्रिक्स देख के मैं रोज स्प्रे की प्रैक्टिस करता हूँ। थोड़े सस्ते एक्शंस, ये भी थोड़े सस्ते एक्शंस देख लो फ्रेंड्स। महंगे करने के इतना पैसा नहीं है अपने पास कि महंगे कर दे अपने एक्शंस को, सस्ता एक्शन देख लो फ्रेंड्स। पीछे एक और बंदा होता है, अब उसको देखो कैसे हेडशॉट, एक ही हेडशॉट मेरा लगता है बंदा चारों खाने चित। और विवेक उसके लास्ट वाले बंदे को मारता है और निकलते इधर से फालतू की वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, तुम लोगों का फिकर करने के लिए, ठीक है। मैं आओ तुम लोगों को इतना सब कुछ दिखा रहा हूँ, वरना मैं तो डायरेक्ट कट करके फाइट वाला सीन दिखाता, तो अपने को वॉच टाइम भी चाहिए होता है। लेकिन अभी थोड़ा ना पैसे मिलेंगे भाई यूट्यूब से, अभी थोड़ा ना पैसे मिलते हैं ब्रो। और भाई लोग यार अभी घर में थोड़े से मेहमान आ गए थे, तो मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब फिर से वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो चलते हैं यार फिर से। ये गेम का सबसे आखिरी सीन है, और अगर तुमको ये सीन अच्छा लगता तो भाई लाइक और सब्सक्राइब दोनों बनता है। अगर आपको लाइक नहीं, मतलब सॉरी अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करो, अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, अगर क्यों अच्छा नहीं लगा वो कमेंट में बताओ। यहाँ पे जब मैं ड्रॉप की ओर जाता रहता हूँ, मेरे को लग रहा होता है कि बंदा ड्रॉप के पास होगा, तो मैं ड्रॉप के पास गाड़ी घुमा के जा रहा होता हूँ, तभी मेरा बंदा चिल्लाता है कि बंदा आ गया मेरे पास। और भाई देखो भाई कैसे बजाते हैं। हाँ तो मैं जा रहा होता हूँ और ये जा रहा होता हूँ और ये जा रहा होता हूँ, और सामने बंदा दिख जाता है।
भाई साहब अगर ये शॉट अच्छा नहीं लगा ना तो क्या अच्छा लगा तुमको, जरूर यार कमेंट में बताओ। लाज वाले बंदे को कैसे मारते हैं देखो भाई। अबे वो लाज वाला बंदा भी वही रिच के पीछे ही होता है, जो रिच दिख रहा है ना स्क्वाड हाउस के पास उधर ही होता है, वो फायर करता है लेकिन हम उसको काउंटर फायर करके हेडशॉट देकर मार देते हैं। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो क्या क्या करनी है आपको तो सब पता है, आप तो इंटेलिजेंट हो पहले से। बाय बाय।